Welcome back to the channel, guys. You are watching Info Arun Vlogs. सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो रैपिड पर होने वाला है. कौन से वेरिएंट पर होने वाला है वो हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, बट हाँ, आज हम स्कोडा पे पहुँचे हैं मोतीनगर. और आज जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि रैपिड का एक वेरिएंट है, जिसके भी हम बहुत जल्दी जो है बात करने वाले हैं. और जिसकी सारी डिटेल देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मिस्टर रोहित स्कोडा शोरूम से आ चुके हैं. तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस. और काफ़ी टाइम हो गया था मिस्टर रोहित से मिले, तो आज हमने सोचा फाइनली हम एक बार स्कोडा पे चलते हैं, कुछ ना कुछ जरूर शूट करेंगे आज. तो प्लीज़ बताइए मिस्टर रोहित, क्या कुछ है आज हमारे व्यूवर्स के लिए. हाय ऑल ऑफ यू. रैपिड हम लोग लेके आए हैं, रैपिड ऑनिक्स. तो ऑनिक्स वेरियंट जो है हमारा लिमिटेड एडिशन है, जो कि सिर्फ दो ही कलर्स में आता है. स्पेशली डिज़ाइंड है जो लोग थोड़ा स्पोर्टी लुक्स को चाहते हैं. एक ब्लू कलर स्पोर्टी कलर है, देन एक वाइट कलर में ये गाड़ी हमने लॉन्च करी हुई है. तो ये पर्टिकुलर मॉडल हमें मैनुअल या ट्रांसमिशन में मिलेगा या ऑटोमेटिक में. हाँ, मैनुअल या ऑटोमेटिक में मिलेगा. और ये 6 स्पीड है, अभी पहले 5 स्पीड होता था, अब 6 स्पीड है. गियर बॉक्स जो है, देन अगर आप इंजन की बात करें तो इंजन इसमें टर्बो चार्ज आ गया. TSI टर्बो हमारे लिए टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, हमने ऑडी से शेयर किया हुआ है इसको टेक्नोलॉजी को. तो TSI टर्बो इंजन है इसके अंदर, टर्बो सर्टिफाइड इंजेक्टर्स. देन इसमें पावर बहुत अच्छा है, 110 पावर आपको जनरेट करता है ये, और 175 टॉर्क जनरेट करता है सिर्फ 1700 आरपीएम पे. बहुत ही कम आरपीएम पे अच्छा आपको टॉर्क देता है. तो ये टॉर्क ही इंजन है. ये पुलिंग पावर इसका बहुत अच्छा है. मान लीजिए आप 5 लोग एक गाड़ी के अंदर बैठ के जाते हैं कहीं पे किसी एरिया पे, और लगेज भी है, क्योंकि एक बार गाड़ी जो है लोड मान जाती है, लोड नहीं मानेगी गाड़ी, चढ़ती चली. लुक एट द कलर. मुझे तो कलर देख के मैं सीरियसली इस गाड़ी का दीवाना हो गया, इतना ज़बरदस्त कलर है ये. जो जैसा कि रोहित ने भी बताया कि ये गाड़ी सिर्फ इस कलर पे जो है, क्योंकि ये स्पोर्टी कलर है एक, ठीक है, इस गाड़ी का कलर ही इतना ज़बरदस्त है. फिर इसमें स्पोर्टी अलॉयज आते हैं ब्लैक कलर में, आप इसको भी देख सकते हैं. बिल्कुल. और थोड़ा सा उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रंट कवर करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पर जो आपको फ्रंट हेडलैम्प्स मिलेंगे, दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो स्मोकी ब्लैक कलर के अंदर आपको मिलेंगे. एंड यहीं पर आएंगे, इसके अंदर आपको जो है सिग्नेचर स्कोडा की ग्रिल मिलेगी विद क्रोम टच के साथ. एंड उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलने वाले हैं फॉग लैम्प्स, जो कि जिसके अंदर अगर आप बम्पर फ्रंट बम्पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक बहुत अच्छा एयर इंजेक्टर का स्पेस मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी, जिसकी वजह से आपको जो है गाड़ी के अंदर पावर मिलने वाली है. और यहीं पर जैसा कि मिस्टर रोहित ने बताया कि गाड़ी के अलॉयज जो है, इस गाड़ी की जो है एक अलग ही एक क्लास को बढ़ा देते हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको इसके अलॉयज दिखाना चाहूँगा. ये आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर आपको 16 इंचेस के ज़बरदस्त अलॉयज मिलने वाले हैं, जिसमें टायर साइज़ आपको मिलेगा 195/55R16. तो अगेन आप देखेंगे टायर साइज़ और उसके हिसाब से जो अलॉयज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर देन आप ज़बरदस्त लगते हैं. देन आपको साइड मिरर ब्लैक मिल जाते हैं पियानो फिनिश में, ये भी जो है अपनी स्टाइलिंग को एनहेंस करता है. बिल्कुल. तो आपको मैं एक बार गाड़ी की जो है इसी बीच में की दिखाना चाहूँगा. तो इस तरह की आपको जो है रैपिड ऑनिक्स की आपको जो है की मिलने वाले हैं, जिसके अंदर एक की के अंदर आपको जो है बूट ओपन का देन लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, एंड दूसरी की आपको जो है नॉर्मल की मिलने वाली है. तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर बी पिलर जो है आपको बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलने वाला है. तो अगेन यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर आपको बॉडी कलर के साथ जो ग्लॉसी ब्लैक का टच मिलेगा वो गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा. और यहीं पर अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट 55 लीटर का आई गेस फ्यूल टैंक मिल रहा है, और जो एवरेज क्लेम की जा रही है दैट इज़ अप्रॉक्स 18 आपको जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरेज आपको मिलने वाली है, जो कि एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन से आप और क्या चाहेंगे, मतलब इससे बढ़िया एवरेज आपको नहीं मिलने वाली. गाड़ी के यहीं पर रेयर सेक्शन पर अगर बात करें तो रेयर सेक्शन पर आपको मिलने वाला है डीफॉगर, और जिसके अंदर आपको मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैंप, और यहाँ पर मिलेगी आपको स्कोडा की ज़बरदस्त ब्रांडिंग
जहाँ इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कोडा की बैचिंग के साथ आपको जिस मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं जैसा कि रैपिड का, एंड जो साइड की टेल लैंप्स हैं दीज आर हेलोजन टेल लैंप्स मिलेंगे। और आपको मैं अगर जो सबसे बढ़िया चीज़ में जो स्कोडा की मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है कि इसके अंदर आपको कभी भी बूट स्पेस का कभी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 460 लीटर का आपको जो है ज़बरदस्त बूट स्पेस मिलेगा, जो कि कितना ही इनफ स्पेस कि आपको लगेज की किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलने वाला है। इसी के साथ गाड़ी के रियर से रियर बम्पर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जिससे आपको जो है पार्किंग में असिस्टेंस मिलती है। उसकी किट नहीं आई है, बट किट में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे सीट कवर्स आ जाते हैं जी, लेदराइट सीट कवर्स इंटीरियर से मैच होते हुए। इसमें ग्रे कलर का इंटीरियर है, वो दिखाना बहुत जरूरी है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब अभी फर्स्ट श्योर है गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल है इसके, राइट। तो इंटीरियर्स के साथ ही मैच होता हुआ सीट कवर्स का भी कॉम्बिनेशन आता है। देन इसके अंदर आपको साइड जस्ट ब्लैक कलर देख रहे हैं, ऐसी साइड बीडिंग भी इसमें आएगी ब्लैक कलर की यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो अभी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसमें जो है एड ऑन होंगे। आई थिंक बाहर से कवर करने के लिए मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ पर मिस्टर रोहित से जानेंगे गाड़ी के अंदर की फीचर्स, क्योंकि स्कोडा रैपिड के अंदर अगर आप बैठेंगे तो आपको जो उसकी कैबिन की और जो अंदर की फीचर्स की बात करेंगे तो वो कुछ अलग ही होती है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइस, हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इस तरह का आपको जो है स्कोडा रैपिड का जो है इंटीरियर मिलने वाला है। तो मिस्टर रोहित से जानेंगे। हाय, इंटीरियर्स जो है इसमें ग्रे कलर के हैं, ब्लैक एंड ग्रे मैच है। इसी तरह के सीट कवर्स होंगे, फिर पियानो फिनिश को आगे ले जाते हुए ये पियानो फिनिश इंटीरियर्स मिलेंगे आपको। पियानो फिनिश मिलेगा हर जगह, जो कि आपकी एक्सटीरियर से थोड़ा मैच कर जाता है इंटीरियर को। देन इसके अंदर आपको क्रोम फिनिशेस मिलेंगी, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल ऑन स्टीयरिंग मिलेंगे, एप्पल कारप्ले विद मिरर लिंक एंड्रॉयड ऑटो, सारी फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के अंदर। ये 6 इंचज म्यूजिक सिस्टम है। देन आप सारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले भी कवर किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 13 थिंग्स हैं जो आती रहती हैं, कि फ्यूल टू एमपीटी कितना है, इंजन टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। इंस्टेंट माइलेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से वो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे एक कार्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या है आप छोटी कोई स्लिप है, कोई पार्किंग स्लिप है, इसको आप क्लिप कर सकते हैं, वो क्लिप कर लेगा। ओके, तो और फिर आपको डैशबोर्ड में लाइट आ जाती है, जो कि 2019 तक हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड में लाइट नहीं थी। क्रोम फिनिशेस आ जाती हैं यहाँ पे, आप साइड में भी अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। हाई डिस्टमेंट सीट है, ये सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। रियर डिफॉगर वगैरह सब इसमें आ जाता है। देन कप होल्डर्स आप देखेंगे, छोटी छोटी यूटिलिटीज़ हैं, कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं दो। देन आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है आगे पीछे। इसके अंदर मुझे जो देखने को मिली, आपको मिलने वाला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि आपको इस मॉडल में एक सबसे बेस्ट एडवांटेज है। हमारे बेस मॉडल से ही आता है। देन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आप देखेंगे, बेस वेरिएंट से आता है। चारों पावर विंडोज जो हैं, ज़्यादातर आप ब्रांड्स में देखेंगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड जो है वन टच डाउन वन टच अप होती है। हमारी चारों पावर विंडोज वन टच डाउन वन टच अप है, किसी का भी हाथ आता है तो बाउंस बैक हो जाएंगी, हाथ किसी का नहीं दबेगा। एंटी पिंच गार्ड के साथ आती हैं और सारी पावर विंडोज जो हैं आप इसमें अंदर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, ये डाउन हो जाएंगी अगर आप बाहर खड़े हैं गाड़ी के। तो जस्ट आपको वन टच लॉन्ग प्रेस करना है, आपकी डाउन हो जाएगी। तो जो गैसेज होती हैं जून जुलाई में गाड़ी के अंदर, वो बाहर निकल जाएगी। ये यूनिकली हमारी गाड़ियों में आता है, मैंने और बाइक की कॉम्पिटिशन ब्रांड्स में देखी नहीं ये चीज़। आप दूर से इसको ऑफ कर सकते हैं, कोई पावर विंडोज रह जाती है। एग्जैक्टली, तो वन टच प्रेस करेंगे तो आपके जो वन टच अप भी है, आप लॉन्ग प्रेस पे डाउन भी कर सकते हैं दूर से ही सेंट्रल लॉकिंग ग्रीन से। ओके, एंड जस्ट टू ऐड ऑन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, आपको मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर दो एयरबैग्स जो आपको ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड कवर करते हैं। दो एयरबैग्स, एबीएस, एबीडी, दीज आर बेसिक फीचर्स जो कि हमारे बेस मॉडल से आते हैं, लाइक डिफॉगर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, फोर वे। अदर कार्स में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, वो आपके ड्राइविंग कम्फर्ट की तरफ नहीं देखते, आपको कॉस्मेटिक्स देते हैं। तो इसमें क्या, ड्राइविंग कम्फर्ट को ये एनहेंस करता है आपके। जब आप गाड़ी 200-300 किलोमीटर चलाते हैं तो आप थक जाते हैं, सीट पीछे कर लेते हैं, ये ऐसे ही रहता है, तो बैक का आर्च बन जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि बैक एक शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं कि हम थक गए गाड़ी चलाते हुए। इसमें आपको थकावट नहीं होती, ये गाड़ी का ड्राइविंग कम्फर्ट, और बहुत चिपक के चलती है गाड़ी रोड से,
हिंदी में अगर बोले तो स्टेबल है इंग्लिश में तो। और इनफैक्ट इसका आप स्टेयरिंग देखेंगे तो बहुत फ्लैट बॉटम डिजाइन है, जो एक बहुत ही अगेन एक गाड़ी बाहर से दिखने में जितनी स्पोर्टी लगती है उतना ही गाड़ी को जो इसका स्टेयरिंग जो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है वो इसको और ज्यादा स्पोर्टी बना देता है। एंड इसके साथ ही गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, तो अगर हम इस सारी गाड़ी तो इस तरह का आपको जो है आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर आपको जो है थोड़ा बहुत सामान रखने का स्पेस मिलता है, एंड इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। एंड जैसा कि हमने आपको बताया ये वाला जो वेरिएंट है ये मैनुअल के अंदर है, ऑल्दो ऑटोमेटिक में भी आता है लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 6-speed जो है मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर मिलने वाला है। देन इसमें 6-speed गियर बॉक्स है मैनुअल जी, जब रिवर्स आप लगाते हैं तो दबा के लगता है, देन फर्स्ट की तरह फर्स्ट लगता है। एग्जैक्टली 6 गियर्स हैं तो ज़्यादा मोर गियर्स सो मोर माइलेज बेटर, गियर रेशो रहेगा तो माइलेज बेटर रहेगा गाड़ी का। तो स्पीड अप है इस गाड़ी में, पावर ज़्यादा है, ये 1800-1700 सीसी जितना MPI गाड़ी जनरेट करती है उतना ये करती है, तो इस वजह से ये गियर बॉक्स इसके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर इट। और एक चीज़ मुझे हमेशा जो है स्कॉडा की गाड़ियों में जो बेसिकली रैपिड या फिर मैंने जितना देखा है कि उनका कैबिन जो है वो एक टिल्ट जो है शेप में होता है, यानी कि आप वहाँ से देखेंगे वहाँ से थोड़ा सा आपको दबा हुआ दिखेगा, यहाँ से वहाँ से उठा हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइवर फोकस्ड, ये मेरी तरफ फोकस्ड है। राइट, तो आपके जो ड्राइवर्स की साइड कंट्रोल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, उनका जो है रीच बहुत ईजी रहती है, हल्का सा टिल्ट होता है। एग्जैक्टली, आप जो साइड में रह रहे हैं आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसमें बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने फॉग लैंप को और हेडलाइट का जो स्विच बहुत मतलब यहाँ बाकी गाड़ी में वहीं से आगे से ट्विस्ट होता है, यहाँ पे बहुत रेगुलेटर दिया जाता है इसको, पार्किंग लाइट है ये, मेन लाइट है ये, फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे पुल कर लेंगे आप, दोबारा रीपुल कर लेंगे तो रियर फॉग लैंप ऑन हो जाएगा, तो ये भी बहुत अलग से आता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो गैस ये सारी चीज़ें थी जो गाड़ी के फ्रंट साइड पे हमने कवर की। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सेक्शन पे, देखते हैं कि किस तरह का लेग स्पेस और क्या कंफर्ट जो है गाड़ी के रियर सेक्शन पे हमें मिलने वाला है। सो गैस हम आ चुके हैं गाड़ी के रियर सेक्शन पे। अगर बात करें गाड़ी के रियर सेक्शन की तो रियर सेक्शन पे आपको यहाँ पर रियर AC वेंट्स मिलते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को जो यहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा आपको स्कॉडा में सेफ्टी हम्प, यानी कि आपकी गाड़ी की जो बिल्ट क्वालिटी है वो आपको यहाँ से पता लगने वाली है। और यहाँ पर जो सीट्स आप देख रहे हैं दीज आर वेरी कंफर्टेबल सीट्स, लेग स्पेस इनफ लेग स्पेस है, हाइट स्पेस भी ठीक है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। 5'11" के बाद भी अभी भी मेरे पास स्पेस है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइड में आप देखेंगे, मैं आपको साइड डोर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी आपको पावर कंट्रोल्स मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पर आपको जो छोटा मोटा स्पेस मिलेगा नहीं है, आप जो है कोई भी 0.5 liter की बॉटल रख सकते हैं, इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो यहाँ पर स्पेस आपको मिलने वाला है। तो सीट्स आर कम्फर्टेबल, एंड जैसा कि बताया कि अभी इन सीट्स पर जो है सीट्स कवर भी लगने वाले हैं, तो अभी सिर्फ ये नॉर्मल सीट्स हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ये सारे जो इसमें एडिशनल चीज़ें होती हैं लगाई जाती हैं। एड्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया दीज आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहाँ पर रीडिंग लैम्प्स मिल जाती हैं आपको, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग लैम्प्स आप देख रहे हैं, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं बात करते हैं अब मिस्टर रोहित से गाड़ी की कुछ USP के लिए एंड कुछ प्राइस के लिए। सो गाइस अब मिस्टर रोहित से हम जानने वाले हैं कि गाड़ी की कुछ USP जो इस गाड़ी को और ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ USPs ऐसी हैं गाड़ी की हर की, तो इसमें क्या है कि अदर ब्रांड ये भी है, ब्रांड अदर ब्रांड्स भी हैं, बट हमारे ब्रांड में क्या कुछ खास है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें 3 तरह की वारंटीज़ आती हैं, एक कार वारंटी होती है जो कि 4 years तक होती है, आप एनहेंस करा सकते हैं 6 years तक, कॉम्पिटिशन ब्रांड्स में आपको ये नहीं मिलेगा 6 साल तक की वारंटी। फिर अगर आप 6 साल तक एनहेंस कराते हैं एक्स्ट्रा मनी थोड़ा सा दे करके, तो प्रोपोर्शन दे करके, तो वो आपके हो जाते हैं 1,50,000 किलोमीटर तक, 50,000 किलोमीटर्स भी बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद एक और वारंटी हमारी रहती है एंटी कोरिजन वारंटी, जो कि आपको कोई भी देगा किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई नीचे कोरिजन, एंटी कोरिजन, एंटी वो ब्लैक पेंट होता है नीचे, वो कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कंपनी नहीं बोलती है। इसमें 6 साल की वारंटी आपको देती है जंग ना लगने की, एंटी कोरोजन। देन उसके बाद आपको पेंट वारंटी मिलती है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, आपको लगेगा कि बाद में डल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, बट पेंट वारंटी इसमें मिलती है क्योंकि ये कंपनी जो है वाटर बेस्ड पेंट करती है, 11 stages में पेंट होता है, 5 layer पेंट रहता है, तो पेंट क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, तो पेंट जो है डल नहीं पड़ने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल, और पेंट वारंटी कंपनी देती है 3 years की,
तो 3 ईयर्स पेंट वारंटी दे रही है, अदर कॉम्पिटिशन ब्रांड आपको नहीं देंगे, कॉम्पिटिशन ब्रांड में नहीं मिलेगी ये चीज़ें। तो अगेन यहीं पर एड ऑन करना चाहूँगा मैं कि आप देख सकते हैं ये कलर कितना ब्राइट कलर है, तो अगर ये ऐसे नहीं रहेगा तो हमें भी 2-3 साल बाद जो है बहुत यूजुअली लोग बाग रेड ब्लैक और जितने भी डार्क कलर्स होते हैं उनको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही इस डार्क कलर की जब आपको स्कोडा की तरफ से एक पेंट वारंटी मिलती है तो वो एक और ज़्यादा एडवांस हो जाता है कि आपकी गाड़ी का, आपकी गाड़ी की लुक जो है वो ऐसी बनी रहेगी। देन उसके बाद आप देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कुछ चीज़ें जो कि जिस वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप देखें तो लेज़र वेल्ड आती है कार, लेज़र वेल्डिंग में क्या रहता है ऊपर से कोई इंपैक्ट होता है या गाड़ी पलट जाती है तो आप ज़्यादा सेफ हैं अदर देन किसी भी कार। इसमें क्या, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें, किसी शर्ट में बटन है तो आप इजीली फाड़ लेंगे उसको, और अगर उसको हम सिल दें तो आप नहीं फाड़ पाएंगे। तो ये क्या है, अदर ब्रांड्स में आपको क्या मिलेगा, कंपटीशन ब्रांड्स में यहाँ ब्लैक कलर की बिडिंग लगी हुई नीचे जो है, अगर कभी आपने हटा हुआ देखा होगा तो उसमें जगह छोड़ छोड़ के वेल्ड हो रखा होता है, बट ये लेज़र वेल्ड है। जितनी हाई एंड ब्रांड्स आपको मिलेंगे वो लेज़र वेल्डिंग मिलेंगी, लेज़र वेल्ड इज़ मोर सेफ देन एनीथिंग। उसके बाद कोई आगे से अगर इम्पैक्ट होता है कार के ऊपर राइट, तो क्या है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रंट इम्पैक्ट में क्या है लेग इंजरी बहुत होती है। तो हमारी गाड़ी में क्या रहता है कि अगर फ्रंट से कोई इम्पैक्ट होता है इंजन डाउन चला जाता है, इंजन नीचे गिर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा कैबिन के अंदर, तो यू आर सेफ इन दिस कार। क्योंकि एक्टिव और पैसिव सेफ्टी दो तरह की सेफ्टीज होती हैं, एक तो हो गया इम्पैक्ट होगा उसके बाद 2 एयरबैग्स खुलेंगे या 4 एयरबैग्स खुलेंगे, उससे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेजर एक्टिव सेफ्टी इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि इसमें टी फ्रेम पर गाड़ी बनती है, तो क्या है कि टी फ्रेम में क्या है आगे पीछे दोनों तरफ से इम्पैक्ट हो तो गाड़ी जो है अंदर से क्रश नहीं होगी, आप अंदर सेफ है कैबिन के अंदर। एग्जैक्टली। देन उसके बाद आपको इसमें कोई भी क्रैश पे, कोई मेजर क्रैश होता है, कोई भी क्रैश होता है उस पर, उस टाइम पे क्या होता है फ्यूल कट ऑफ हो जाता है, हमारी गाड़ी में आपको आग नहीं लगी, फायर बर्न नहीं करेगी कार, फ्यूल कट ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली। तो गाइस ये आप देखेंगे कि इतनी सारी यूएसपी के साथ जो है स्कोडा जो है कस्टमर की इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ गाड़ी को सेल आउट करना टारगेट नहीं है, बट यस योर सेफ्टी इज देयर प्रायोरिटी। और ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को, जैसे कि हमने आपको दिखाया गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी हम्प मिलता है जो गाड़ी की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, तो ये सारी सेफ्टी आपको जो है इस गाड़ी में मिलती है। अब बात करते हैं मिस्टर रोहित यहाँ पर प्राइस की, तो जैसे कि ये मैनुअल वेरिएंट है तो इस वाले वेरिएंट का हमें क्या ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है दिल्ली में? मैनुअल अगर आप देखें तो ये कॉस्ट करेगी आपको 11,30,000 ऑन रोड, और स्कीम्स चेंज होती रहती हैं, तो स्कीम मंथ टू मंथ चेंज होती हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे राइट तक वीडियो में। वो डेफिनेटली जब आप शोरूम आएंगे तो आपको जो है उस टाइम जो भी डिस्काउंट या जो भी ऑफर्स चल रहे होंगे फॉर श्योर आपको जो है वो ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जैसे कि कलर ऑप्शन आपको बताया गया है कि कलर आपको सिर्फ ये ब्लू एंड वाइट कलर के अंदर मिलने वाली है। तो गाड़ी पर एज ऑफ नाउ अभी फ़िलहाल किसी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, अभी गाड़ी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगेन डिपेंड 10-15 डेज़ के अंदर आपको जो है गाड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हैं बुकिंग करने का या फिर आप इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि ये गाड़ी भी अभी सिर्फ डिलीवरी के लिए यहाँ पर खड़ी है, ये कस्टमर की गाड़ी है जो डिलीवर होनी है, तो अभी एज ऑफ नाउ आप जो है अगर शोरूम पर आके टेस्ट ड्राइव या गाड़ी को देखना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप देख सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप मिस्टर रोहित को रीच आउट कर सकते हैं, एक बार मिस्टर रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ। माई नंबर इज 9650063424। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप 10 to 7 days आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, फॉर श्योर आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी। एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक सेडान के लिए और एक आप चाहते हैं सेडान में आपको जो है स्पोर्टी लुक बहुत कम गाड़ियाँ दे पाती हैं, तो आप सेडान के साथ साथ अगर आपको एक स्पोर्टी लुक की गाड़ी चाहिए तो आप जो है रैपिड का ये ऑनिक्स मॉडल आप जो है ट्राई कर सकते हैं। फॉर श्योर आपको जो है इन टर्म्स ऑफ राइड एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टी, तीनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो गाइज इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आईडी आपको जो है स्क्रीन पर दिख रही होगी। फिर दोबारा मिलेंगे गाइज एक नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू गाइज़।